हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पलविंदर मैम का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन दूंगा। पलविंदर मैम हमारे साथ हैं और वो मैनेजर 10% हैं, और जब ये मैनेजर के इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली जैसे एक नॉर्मल पर्सन ज्वाइन करता है, नॉर्मल हाउसवाइफ ज्वाइन करती है, इनके दो बेबीज भी हैं उनको भी देखना है, तो ये बड़ी सर्टेन थी कि मैं ऐसे करूंगी, इतना टाइम दे पाऊंगी, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। पर जो जो इन्होंने काम करना शुरू किया, और ऑब्वियसली इन्होंने थोड़ा सा काम को एक जील के साथ शुरू किया कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उस जील के साथ इन्होंने ऑब्वियसली बच्चे भी देख पाई हैं, ठीक है। और ये मैं इंट्रोडक्शन इनका क्यों दे रहा हूँ थोड़ा सा लंबा, क्योंकि मेरे को अच्छे से ध्यान है कि ये जम्मू में रहती हैं, रहती थी उस टाइम पे, अभी भी जम्मू जाने वाली हैं जल्दी। तो जम्मू में क्या था कि लॉकडाउन की स्थिति पहले से थी, जब इन्होंने ज्वाइन किया था तब वहां पर कभी भी इंटरनेट गायब हो जाता था, या जो आपका जो आर्टिकल 360 के आसपास की कहानी है कुछ वो होता था उसका, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यहाँ पर इनको आता था। लेकिन इन्होंने पूरा महीना उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे काम करना है, और उन्होंने परमजीत जो पंजाब में उनकी कजन है उनको लेकर साथ काम किया, और बहुत अच्छे से टीम अप कर लेती थी, और साथ में इन्होंने फिर किस तरह से अपना डिजिटल सीखा। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जब ये बिल्कुल ज्वाइन किया था इन्होंने, तो इनको सिर्फ ये था कि कुछ करना है, लेकिन वो कुछ करने का जो स्तर है वो आपको ये बड़े अच्छे से बताएंगी। तो सबसे पहले पलविंदर मैम, गुड मॉर्निंग और वेलकम आपको, ठीक है। तो आप स्टार्ट कीजिए, अब अपने बारे में आप प्लीज जरूर थोड़ा सा बताइए कि आपने ओरिफ्लेम एक्चुअली में क्या सोच के ज्वाइन किया था। ओके ओके सर, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब मैंने स्टार्ट किया, माई सेल्फ पलविंदर कौर, मैंने जब स्टार्ट किया था अपना ये जर्नी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जस्ट मुझे इतना था कि मैंने अपने आप को बिजी करना है, और बिजीनेस के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, कोई भी ऑनलाइन वर्क का तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैसे होता है, क्या चीज़ होती है, उसमें करना क्या एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद जब स्टार्ट किया तो जो पहली मैंने अपनी मिस्टेक करी, मैं आपको वो बताऊंगी। मैंने फर्स्ट मंथ 3% कर लिया, तो मैंने सोचा नेक्स्ट मंथ भी 3% हो जाएगा तो मेरा 6 हो जाएगा। तो फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता इसमें। तो इसमें था कि अगर आप फर्स्ट मंथ 3% करते हो, 3% के लिए आपको 200 बीपी करने होते हैं, नेक्स्ट मंथ फिर आपको 6। हाँ जी, तो अच्छा मैं साथ में ये जानना जरूर चाहूंगा कि आपका किस तरह से सिस्टम रहा कि आप फैमिली के साथ इसको कोप अप कर पाए। फैमिली के साथ इसको कोऑर्डिनेट करना इसीलिए इजी हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं है। और जो मेरी सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब वाली थी, क्योंकि मैं जम्मू में थी। तो जम्मू में जिन दिनों में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद आफ्टर 2 मंथ बाद वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे भी, जब इंटरनेट सर्विस टोटली बंद थी, उस टाइम पे अपना 6% किया था, कोऑर्डिनेट किया था परमजीत के साथ, सर के साथ। ये लोग मुझे अपडेट कर देते थे क्या ऑफर्स हैं, कैसे हैं। तो मैं अपनी जो डाउनलाइंस थी उनको एसएमएस के थ्रू बताती थी, जब कॉल के थ्रू कॉल कर लिया उनको, बात कर ली उनसे, ऐसे बता दिया उनको। तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहां पे 9 महीने का, आफ्टर 9 और 10th मंथ जो हमारा था इंटरनेट सर्विस स्टार्ट हुई थी। वाईफाई लगवाया इसी चक्कर में कि चलो काम करना है, बट हाँ करना है कुछ। वो चीज थी कि दिमाग में था कि करना है, अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। कैसे किया उस चीज को, मुझे खुद भी बिलीव नहीं होता कि मैं कर पाई उस चीज को। फिर उसके बाद जब इंटरनेट सर्विस आई, वाईफाई आया, तो हाँ समझ, अच्छा समझने में मुझे इसे बहुत टाइम लग गया, 1 साल पूरा लग गया कि कैसे इस वर्क को आगे लेके जाना। पहले था कि चलो 3 या 6 हो गए, ठीक है, छोटा सा हो गया अचीवमेंट। बट जब 9 हुए, मेरे पास डाउनलाइंस आई, बहुत अच्छी वाली डाउनलाइंस मुझे मिली, जिनके बारे में बताऊंगी। बलविंदर कौर मैम मिले मुझे, सुमन शर्मा मैम मिले, तो उनके साथ जब मैंने टीम अप करके 9% अचीव किया, तो फिर उसके बाद था कि यस अब पीछे नहीं जाना, अब आगे जाना है, कुछ करना है। और उस काम को समझना स्टार्ट किया, समझना इन द सेंस के जब आपको पता चल गया कि आपने खुद ही मैनेज करना है सारा कुछ,
तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ने का जो था कि वो जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ। हाँ जी, नहीं, बहुत बढ़िया। वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था आपका, जो पीरियड्स कुछ ऐसे थे जो आपका, हाँ। पर मेरे को आप ना थोड़ा सा ये भी बताइए कि जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वी लव और इक्लेम प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो आपको कैसे प्रोडक्ट्स इन जनरल कैसे लगे? आपको कुछ क्लाइंट जम्मू में भी मिले, आपको पंजाब में भी मिले, आपको दो रीजन से मिले, उसके बाद आपने पैन इंडिया भी कहीं ना कहीं काम किया, लेकिन आपको ओवरऑल प्रोडक्ट्स में क्या लगता है, क्या अपील है और किस तरह से है? और बिना विद नॉलेज, है ना, ऑब्वियसली जो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कई लोग यूज करते हैं लेकिन विदाउट नॉलेज यूज करते हैं, कई लोग होते जैसे थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए हम लोगों को। जो इनके प्रोडक्ट्स है सर, उनके बारे में एक चीज बताऊंगी। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाले हैं, क्योंकि जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, मैं ढूंढती थी माइल्ड माइल्ड प्रोडक्ट, यानी कि अपने बच्चों के लिए भी माइल्ड प्रोडक्ट, शैम्पूज अपने लिए भी केमिकल फ्री हों। तो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल माइल्ड है, केमिकल फ्री है, नेचुरल बेस्ड है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाले हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। मैंने जो सेल किया अपना घर में, तो हम लोग पर्सनली मैं तो यूज करती हूँ, जो मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड करे थे प्रोडक्ट स्किन केयर के, बहुत अच्छे वजह रिजल्ट मिले मुझे। पंजाब में पटियाला में मैंने दिया था स्किन केयर का, बहुत बहुत खराब हालत थी एक फीमेल की, फेस की बिल्कुल आप देख भी नहीं पाओगे उसको, इतनी बुरी हालत थी। उनको दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, 2 और 3 मंथ्स लगे उनको। उसके बाद मैंने पठानकोट में स्किन केयर के जो प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, ऑप्टिमल इवन आउट एंड ऑप्टिमल माइट्रा मैट हाइड्रा, दोनों मैंने दिए, दोनों के बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। इवन मैं अभी परमजीत है इस मीटिंग में, उनके पास जो रिजल्ट आए हैं वो शेक के बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हमारा जो हेल्थ ड्रिंक है ओमेगा के बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एसबीसी तो वहां पे बहुत ज्यादा चलता है, 1 महीने में एटलीस्ट मुझे लगता है 15 तो एसबीसी उनके निकलते ही है। हेल्थ ड्रिंक प्लस जो है हमारा ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है, और बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट उनको मिले हैं। नहीं, चलिए, प्रोडक्ट की बात हो गई, अब हम आपकी भी हमने बात सुनी कि कैसे आपने ज्वाइन किया और क्या कंफ्यूजन आपको शुरुआत में रहती थी, ठीक है? और ऑब्वियसली तब हमारे पास जूम हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, ट्रेनिंग्स हम लोगों के जूम पे ऑनलाइन नहीं थे। अभी तो बहुत सहूलियत हो गई है हमारे को, जूम के ऊपर भी हम लोग नए डाउनलाइंस को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आपको जैसे टाइम लगा, अब वो समय ऐसा था जब हमारे पास जूम नहीं होता था या हम लोगों ने जूम स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आज हम डे वन से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप बताइए, ट्रेनिंग का फायदा कितना एक नेटवर्क में नए पर्सन को जुड़ने का होता है, और आपको भी जब ट्रेनिंग आपकी भी प्रॉपर होनी शुरू हो गई तो आपको क्या फायदे उसमें रहे, ये जरूर आप बताइए, शेयर कीजिए हमारे साथ। ट्रेनिंग का इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। ट्रेनिंग में आपको जब अभी जूम पे ट्रेनिंग्स है, हम लोग उनको लाइव दिखा भी सकते हैं, वीडियोस भी दिखाते हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में भी दिखाते हैं, ठीक है, अभी हम लोग फेस टू फेस भी इसमें बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा निकल के आता है कि जैसे ही आप एक ट्रेनिंग खत्म करते हो, आप कलर कॉस्मेटिक वाली एक ट्रेनिंग खत्म करते हो, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आने लगते हैं। जो हमारे डाउनलाइंस हैं उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है उसमें कि हाँ जी भाई ये वाला प्रोडक्ट है, अगर फाउंडेशन है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे उसको यूज करना है, वो सारा कुछ डिटेल में हम जब उसको बताते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे ऑर्डर निकल के आने स्टार्ट हो जाते हैं। जी, अच्छा, अब यहाँ पर आप 12% मैनेजर बन गए हैं, आप अब मैनेजर का टाइटल आपके पास आ चुका है, तो अब आप यहाँ से आगे क्या फ्यूचर देखते हैं? आपको लगता है कि भी बिजनेस को और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, जो नए लोग हैं उनको भी ग्रोथ यहाँ पर है कैसे है? और अगर, क्योंकि देखिए सबको चाहिए अपनी वो 6 इनकम फिगर या 7 इनकम फिगर, तो वो कैसे पेमेंट आएगी, है ना, थोड़ा उसके बारे में बताइए हल्का फुल्का। और आपको यहाँ से जो आप 12% बन गए, तो आपको कैसे लगता है कि आप 12 के बाद 15 है, 18 है और उसके बाद 22 है, आप खाली 3 स्टेप दूर है सीनियर मैनेजर से। 15 होगा आपका, फिर 18 होगा और एक आपका फिर 22 हो जाता है, तो आप उसको कैसे देखते हैं और कितनी आपको लगता है कि 12 बनने के बाद मेहनत है बढ़ गई है या आपके थोड़ा इजीनेस आ गई है, उसके बारे में आप जरूर बताइए। ओके सर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक चीज सबको बताऊंगी कि ये बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, इसमें आपको सेल भी देखना है, आपको मैनेजमेंट भी देखना है, आपको अपने लिए जो
डाउनलाइंस है उनको भी देखना है। ये अपना बिजनेस है आपका खुद का, अगर आप बुटीक भी स्टार्ट करते हो, एक सपोज एक लेडी के लिए जैसे एक बुटीक कोई स्टार्ट करती है वो लेडी फीमेल, उसमें उसको सेल भी करना है, उसमें उसको जो है उन्होंने लड़के भी रखने हैं, लड़कियां भी रखनी है, उनको भी मैनेज करना है। तो इस तरीके से ही ये हमारा बिजनेस है। आप जब इसमें ज्वाइन होते हो, पहले आप ज्वाइन हो जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ अपनी, उसके बाद इस बिजनेस को आगे लेके जाना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आपने आगे कैसे लेके जाना है। अगर आप स्पीड पे जाना चाहते हो तो आपको ज्वाइनिंग करवानी होगी, आपको रिक्रूट्स करने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बहुत टाइम वेस्ट किया हुआ है इसमें, मैं आपको अपनी जो रियलिटी बता रही हूँ। आफ्टर 1 ईयर मुझे समझ आया था कि कैसे ज्वाइन करवाना है लोगों को, उनको ट्रेन करना है, उनको समझाना है, और फिर उनके साथ ही मैं 12% हुई हूँ। 12% के आगे की जो जर्नी है वो इजी नहीं रहती, आपकी मेहनत है वो बढ़ जाती है, आपके काम बढ़ जाते हैं, आपने ट्रेनिंग्स भी देनी है, आपने रिक्रूट भी करना है, आपने सेल भी निकालना है, आपने ओवरऑल सारा कुछ देखना है। तो आपकी जर्नी जहाँ से एक बहुत अच्छे वाली स्टार्ट होती है, आपने 12% के बाद 22% पे जाना है जहाँ आपको सीनियर मैनेजर का टाइटल मिलेगा, और 25+ जो मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ उसमें सीनियर मैनेजर पे आपको इतनी अर्निंग होगी। और इसमें अर्निंग जो है अनलिमिटेड अर्निंग है। आप इसका सक्सेस प्लान को समझो, जो नए डाउनलाइन है सक्सेस प्लान को समझे, उसको बहुत ज्यादा अर्निंग है। तो उस अर्निंग को देख के कि आपने कौन सा लेवल किस मंथ में अचीव करना है, पहले अपना थोड़ा सा प्लान करो। हम लोग अनप्लान पहले चले थे, अब थोड़ा प्लानिंग करते हैं। तो प्लान करो तो फिर आपका वो जो लेवल है वो जल्दी अचीव होता है। तो अब हमारा एक छोटा सा रैपिड एक्शन फायर जो होता है वैसा स्टार्ट करेंगे करेंगे हम। तो आपका कोई ऐसा मोमेंट जब आपको सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट लगता है ओरिफ्लेम के अंदर एज ए जर्नी टोटल आपकी? जो सबसे मुश्किल मुझे लगा था, सबसे मुश्किल मुझे जो लगा था, मैं आपको वो रियलिटी बता दी, ऑनलाइन पेमेंट करना मुझे बहुत डर लगता था उसमें, बट मैंने वो किया। और सर भी जानते हो उस चीज को बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं बैंक जाके ही पेमेंट ट्रांसफर करती थी, पहले मैं सर को करती थी, अपने ऑर्डर भी खुद प्लेस नहीं करती थी, बट जब से किया वो इतना इजीएस्ट हमारे लिए है कि हर कोई बड़ा नॉर्मली कर सकता है। मैं सबको वही बोलूंगी कि आप अपनी पेमेंट खुद करो, खुद अपने ऑर्डर प्लेस करो। अभी रैपिड एक्शन राउंड जारी है, तो आपकी तीन फेवरेट डाउनलाइंस? मेरी फेवरेट डाउनलाइंस हैं ऑफ कोर्स शैली मैम, परमजीत एंड बलविंदर मैम। वो मेरी बहुत फेवरेट थी, बट वो अभी हमारे साथ बलविंदर मैम काम नहीं कर रहे हैं। तीन ऐसी डाउनलाइन जो आपको सबसे ज्यादा मे भी परेशान करती हैं? ऑब्वियस शैली मैम, परमजीत एंड थर्ड वन कोई नहीं है, बस यही दो है। ये बहुत हाँ, ज्यादा मेरी हालत खराब करती है, जो फेवरेट है वही परेशान कर रहे हैं। जो हाँ फेवरेट नहीं है ठीक वही है। हालत खराब करती अच्छा याग्निका मैम या मैं फेवरेट अपलाइन? याग्निका है। मैम फेवरेट देखना अपलाइन ये रिकॉर्डिंग याग्निका मैम, सुनेगी ऑब्वियस उनकी याग्निका मैम, याग्निका मैम ऑब्वियस। बताओ ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है रैपिड एक्शन उसके अंदर कि आपको कौन लगता है कि आपका अभी राइजिंग स्टार जल्दी या तो हो जाएगा जिसको आप क्लियर करोगे कि तीन लाइन तीन डाउनलाइन अपनी और ऑब्वियसली वो 100 BP प्लस हफ्ते निकालना शुरू कर दे? मुझे जगजीत मैम से बहुत ज्यादा होप है कि उनको बिजनेस भी समझ आ रहा है, उनको ये भी पता है लोगों को कैसे ज्वाइन करवाना है। तो मुझे जगजीत मैम अभी लग रहे हैं राइजिंग स्टार जो है मेरी टीम में। और एक लास्ट के आपको एक्टिविटी प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं ठीक है या जो स्पॉन्सर बेनिफिट आता है वो अच्छा लगता है प्रोडक्ट आपको, या वो सेम चीज आप जब आप बाहर हम खरीदते हैं जैसे मुझे ध्यान है कि मैंने वॉच ली, मैंने टम्बलर लिया, मैंने फोक लिया, तो वो चीजें हमें बाहर भी मिल जाती हैं। तो आपको जो एक्टिविटी प्रोडक्ट्स हैं आपको या स्पॉन्सर बेनिफिट्स हैं आपको, या आपको कोई भी ऐसी चीज आ रही है कि आप ये काम करेंगे तो आपको इतना मिलेगा ठीक है, ये गिफ्ट मिलेगा, तो गिफ्ट आपको कैसे लगते हैं? या आपको लगता है कि नहीं ये हम आउट ऑफ ओरिफ्लेम से भी ले सकते हैं या इसको क्वालिफाई करें? तो आपको क्यों? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने हमारी टीम में शायद मेरे बाद या मेरे से ज्यादा ही गिफ्ट क्वालिफाई किए हुए हैं। तीसरा नंबर आदिति का आता है। जी सर आपकी वॉइस बिल्कुल। कट रही है। हाँ जी वो आपके नेटवर्क में इशू होगा। हाँ जी
जो मैं आपको बताऊंगी अपने स्पॉन्सर बेनिफिट्स या मुझे जो एक्टिवेशन गिफ्ट हमारे पास आते हैं बहुत बहुत पसंद है और मैं ऑलमोस्ट सारे ही क्वालिफाई करती हूँ। इस पर मेरा अभी एक गिफ्ट है जो कटलरी सेट वाला वो क्वालिफाई नहीं हुआ, उस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। बट जो गिफ्ट आते हैं बाहर से मार्केट से हम ले सकते हैं, ऑब्वियस ले सकते हैं, बट जो हमें ऑरिफ्लेम से गिफ्ट मिले उनका एक अलग मजा है। आप उनको मतलब क्वालिफाई करने के लिए पैशनेट होते हो, आप उनको क्वालिफाई करने के लिए आपको एक एक्टिवेशन आप खुद एक्टिवेट हो जाते हो। आप सबसे बोलते हो यस इस तरीके से ऑर्डर डालो, ऐसे ऑर्डर डालें तो हमें ये क्वालिफाई करने हैं गिफ्ट। मेरी टीम में मोस्टली सारे क्वालिफाई करते हैं और मैं नेक्स्ट सेशन में अपने बताऊंगी कि जो मैंने गिफ्ट क्वालिफाई किए हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और कि आपको कौन सी वाली परमिंदर, जैसे आजकल ऐप होता है ना, ऐप का वर्जन होता है कि ये पुराना वर्जन या ओल्ड वर्जन, तो आपको कौन सी वाली परमिंदर ज्यादा बेटर लगती है, जो ऑरिफ्लेम में आने से पहले या ऑरिफ्लेम में आने के बाद? ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत टीडियस वर्क है, आपका काम खींचता है, आपका टेंशन, आपकी ऑरिफ्लेम भी एक आपके बेबी की तरह हो जाता है जिसको आपको ग्रो करना है, वो भी उतना अटेंशन सीक करता है। लेकिन आपने क्या, आप समझते हो कि वो पुरानी वाली ऑरिफ्लेम परविंदर अच्छी, बेटर, सुकून है ना, या ये परविंदर जिसको आज इंटरनेट भी आता है, आज को फेसबुक पे भी जद्दोजहद है, डिजिटल पेमेंट्स भी आ गई हैं, और ऑब्वियसली एक आप इंटरव्यू भी देने आ रहे हो, जब मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे भी जानते हो कि हम लोग पहले अपनी पिक्चर भी शेयर नहीं करते थे। नहीं ऑब्वियस ये वाली पलविंदर जो अभी मैं अपने आप को मैंने फाउंड किया है, अपने आप को मुझे पता चला है कि यस मैं ये चीजें कर सकती हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बात है कि मैं जो डील करती हूँ ऑनलाइन डील अभी कर रही हूँ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। अपने घर से बाहर जाना तो बड़ी दूर की बात है, बहुत कम लोगों से बातचीत थी, बट अभी जो मेरी बातचीत होती है वो ऑल ओवर इंडिया में भी है और इनफैक्ट जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं कनाडा या यूएसए उनके साथ भी बातचीत होती। तो मैं अपने आप को एक नया अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट आ रही है कि हाँ भी आप लोगों से बात कर रहे हो, लोगों के साथ आपको बहुत ज्यादा इसमें नॉलेज मिलती है। अभी जो हमारे अभी हम लोग क्वालिफाई करेंगे अपने टूर वगैरह जो नेशनल लेवल के हैं, तो ऑब्वियस हम लोग बाहर अब जाएंगे घूमेंगे लोगों के साथ, तो वो भी एक फन मोमेंट हो जाता है। बहुत बहुत खुश है इसमें। आप बस इस सक्सेस प्लान को समझो, जो नए डाउनलाइंस आए हैं मेरे भी डाउनलाइंस हैं इसमें बहुत सारे नए, सक्सेस प्लान को समझो, आपको बहुत बहुत कुछ यहाँ पे अचीव मिलेगा। रिकॉग्नाइजेशन जो है आपको स्टेज पे सर्टिफिकेट देने के लिए जब बुलाया जाता है आपका नाम लेके, वो सबसे बड़ी बात है। अभी हमें बुलाया नहीं है जो कोविड-19 के चलते हुआ नहीं था कुछ भी ऐसा वाला सेमिनार वगैरह, तो जब आपको बुलाया जाता है तो आपके लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट होता है, आपके नाम से आपको पहचान मिल रही है। तो नई डाउनलाइंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, जो भी नए लोग नेटवर्क में जुड़ते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज के भी हमें सबके नेटवर्क में है उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी, सबसे पहले हम आपको पूरा ट्रेन करेंगे, कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे, डिटेल देंगे कि वर्क में आपने आगे कैसे बढ़ना है। जब आपको वो समझ आ जाता है तो आप अपने बिजनेस की तरह सबसे पहले है कि आप अपना बिजनेस समझ के अपना काम समझ के उसको लो, 2 घंटे 3 घंटे एटलीस्ट स्टार्टिंग में लगाओ। उसके बाद ये टाइम आवर्स आपके बढ़ जाएंगे, जब आप आगे जाओगे आप लेवल अचीव करोगे तो आपका टाइम बढ़ता जाता है। जैसे अभी मुझे है मुझे 6 to 7 आवर्स लगाने पड़ेंगे तो ही मेरा जो आगे वाले लेवल्स हैं वो अचीव होंगे इसमें। जी। तो और होपफुली आप भी, हम बहुत सारी गुड विशेस के आप जल्दी से अपना अदर मैनेजर टाइटल्स भी अचीव करें और सीनियर मैनेजर भी बने, और फिर जरूर आपसे दोबारा पूछेंगे कि अब कौन सी, ये तीसरी वाली पलविंदर है कि ये पुरानी वाली ही पलविंदर है, और जल्दी ही आपकी जो डाउनलाइंस है, जो आपने अपनी फेवरेट डाउनलाइंस बनाई है, तो बाकी डाउनलाइंस भी इंस्पायर हो उनसे और जाने समझें। और जाते जाते मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछूंगा कि ये कोविड-19 के अंदर जब कोविड आया, तो आपको क्या लगा था कि हमारा जो काम है वो बंद हो जाएगा, या हम जैसे बाकी बहुत जगह पे बंद हो गया, या हमें करते रहे और हम कहीं ना कहीं, आप भी उसमें कोविड के अंदर ही 12 बने हैं, तो वो आसान था आपको लगता है कि अगर, या मतलब हम जो की है कि जो एक कंसिस्टेंसी में आप काम करते हो वो काम आ गई? लास्ट में मैं आपसे थोड़ा बहुत वेलनेस की भी आपसे टिप्स लूंगा अभी, आप पहले पर ये जरूर बताइए कि कोविड के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपने 12 अपना अचीव किया? जी सर,
जो कोविड के चलते सबके बिजनेस जैसे बाहर बंद हो गए थे, हम लोग घर पे, ये वर्क फ्रॉम होम था तो बहुत ज्यादा इसमें हमने ग्रो किया। कोविड-19 के चलते हमारा काम डाउन नहीं गया, बहुत ज्यादा ऊपर गया। इवन मैंने जो 9 अचीव किया वो भी कोविड में ही किया, मई में। जून में मेरा 12 हुआ तो वो भी कोविड में ही हमने अचीव किया, मैंने अपना लेवल को। बट इसमें ये काम बड़ा कैसे, इसमें लोग घर में स्टक हो गए तो वेलनेस का काम, अभी जैसे हम लोग वेलनेस पे आ रहे हैं तो वेलनेस का इसमें बहुत ज्यादा काम बढ़ा, बहुत ज्यादा ऑर्डर निकल के आए। फीमेल्स को घर पे बंद हो गई थी तो वेट भी बढ़ रहा था सबका, ऑब्वियस है। खाना पीना हमारा वैसा ही था, बट हम लोग हमारा वर्कआउट बंद हो गया था लोगों का, तो घर पे उनका जो जो था कि हम लोग घर से रहते हुए अपना वेट तो कम से कम मैनेज करें, तो हमारा वेलनेस का काम था वो बहुत बहुत ज्यादा आगे गया कोविड में ही, और हमारा बिजनेस को बहुत ग्रो मिला। इवन चलो हमने तो 12% किया, बहुत से लोग इसमें जो गोल डायरेक्टर बने, इवन हमारे याग्निका मैम अभी सीनियर डायरेक्टर बने, तो वो भी इसी में चलते कोविड के चलते ही बने, तो बहुत से लेवल अचीव हुए इसमें। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप अपने आप को डिजिटली कितना रैंक करते हैं? मतलब आप, अगर मैं 1 to 10 बोलूं, तो आप डिजिटल आप अपने आप को कितना रैंक करते हैं? और अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें आपको लगता है कि मुझे वहां पर भी कुछ कमर कसनी है डिजिटल अरिना में, तो आप क्या आपके प्लान हैं और किस तरह से आप देखते हैं कि डिजिटल हमारे को फायदा करता है इन जनरल? जैसे हम अभी अगर ये आपका एक सेशन कर रहे हैं, ब्रेन सेशन, तो वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं थी, अगर जूम नहीं होता और हमने लर्न नहीं किया होता तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि हम, जब तक या तो आपको बेगोवाल या हम इधर आना पड़ता, या मे बी अगर ट्रेनिंग की भी हम बात करें, तो आप डिजिटली खुद को कितना समझते हैं कि अभी 1 to ऑब्वियसली 10 की रैंकिंग के अंदर, और साथ में कि भी आप उसके लिए क्या आपका प्लान है? डिजिटली मैं अपने आप को अभी 5 पे ही रैंक करूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत से काम हैं अभी जो मैं डिजिटली नहीं कर रही हूँ। जैसे हमारा अपने पेज को लेके हो गया, हमारा इंस्टाग्राम, अभी मैं उनमें बहुत ज्यादा पीछे हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। बट ये चीज मैं करूंगी क्योंकि मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, तो वो चीज मुझे है कि हाँ भी मैं उन अपनी जो वीकनेस है मेरी उनको मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूँ, उन पे वर्क करूँ, तो वो मैं अभी अपने आप को 5 रैंक पे ही रखूंगी, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। मैं डिजिटल के बारे में आपको बता दूं कि डिजिटल क्या होता है, आपकी एक ऐसी, आप मानिए कि अगर आप डिजिटल में, आपके जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो आपकी ना एक डाउनलाइन की तरह ही काम करती है। आप जैसे बाकी डाउनलाइन से चाहते हैं कि आप पर डे काम करें, तो उसी तरह से जो हमारी फेसबुक हो गया, पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी डाउनलाइन की तरह ही काम करता है। अगर आपकी एक नेटवर्क के अंदर डाउनलाइन वर्क नहीं कर रही है 4 दिन, तो आप जरूर उससे पूछते हैं, मे बी 10-15 दिन वो कहती है कि आप जरूर पूछते हैं, आपको पता है कि वहां से आउटपुट नहीं आएगी। सेम अगर आप अपनी डाउनलाइन की तरह आप अपने डिजिटल को भी, दोनों ही डी से स्टार्ट होते हैं, तो अगर आपने अपनी डिजिटल जो आपके प्लेटफॉर्म से उसको भी एक डाउनलाइन की तरह माना और आप चाहते हैं कि भी ये डेली आउटपुट इसमें कुछ हो, आप 100% आपकी एक डाउनलाइन की तरह काम करती है। आपको उसमें कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, रिटेनिंग बहुत अच्छी होती है। प्रोस्पेक्टिंग तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन वो रिटेनिंग की जो बात है ना कि भी हाँ, हम लोगों को अपने साथ जोड़ के रख पाए लंबे समय तक, अगर वो एज ए वीआईपी कस्टमर कह लीजिए या अगर वो एज ए ब्रांड पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कह लीजिए। अभी बहुत एक अच्छी न्यूज आई है कि ट्रेड डिस्काउंट वापस से रिटेन कर दिया गया है, तो जस्ट मैं अभी व्हाट्सएप भी देख रहा था अपना, तो ट्रेड डिस्काउंट भी वापस से आ गया है। तो अच्छा, अब मैं जहाँ पे बात आई, अभी ट्रेड डिस्काउंट की बात आई है, तो जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट होता है, जो आपका पीडी चेक होता है आपका, वो आपको पता है कि आपका एक लिमिट में है, तो इमीडिएट इनकम अभी आपकी, क्योंकि आप वेलनेस अच्छा कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इमीडिएट इनकम हमें उसको प्रेफर करना चाहिए या हमारे को ट्रेड डिस्काउंट प्रेफर करना चाहिए? इमीडिएट इनकम में भी हमारे को कहीं ना कहीं नेटवर्क तो हम लगाते ही हैं अपना, कि भी आज इससे बात की, आज उससे बात की, आज उसको बताया, ताकि अगर मान लीजिए हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं और अगर हम नेटवर्क को ग्रो करते हैं तो परफॉर्मेंस डिस्काउंट हमारा आता है, तो ज्यादा बेटर कौन सा है? मतलब ये जो 25% हमारे को इमीडिएट डिस्काउंट होता है या 22% परफॉर्मेंस डिस्काउंट है? ऑब्वियस है जो 22% हमारा परफॉर्मेंस डिस्काउंट है वो ज्यादा मैटर करता है,
इनिशियल प्रॉफिट जो है हमारा इनिशियल इनकम है वो जस्ट आपके पास कभी आपका सेल निकल गया तो आपको मिल जाता है। बट अगर आपने नेटवर्क ग्रो किया है, अगर आपने अपना टीम बहुत अच्छे से लगाया हुआ है, उसको पावर लेग आपने लगाई हुई है, तो आपका जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेल मोस्टली मे भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेल कैसे निकल रही है। जैसे अभी इस मंथ मेरी इतना सेल नहीं निकला, तो बट अगर मैंने अपने नेटवर्क को लगाया हुआ है ठीक ढंग से, तो मुझे परफॉर्मेंस डिस्काउंट है वो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछूंगा फिर हम इसको खत्म करते हैं। मुझे अच्छे से पता है आपके इवन हमारे पंजाब में बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं वर्क के लिए, आपके फैमिली से भी काफी लोग वर्क कर रहे हैं बाहर से। तो मुझे ध्यान है कि आपने जब फर्स्ट टाइम स्टॉकहोम या स्पेन का क्वालिफिकेशन निकली थी, तो आपने उसमें कुछ अलग बात कही थी कि देखो हम मतलब वर्क करने नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे गेस्ट जा रहे हैं और वो लोग हमारे लिए वर्क करेंगे। तो वो एक्चुअल में क्या चीज थी, वो आप जरूर थोड़ा शेयर कीजिए। जी सर, जो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में हमें पता चला था कि इसमें अगर हम स्पेन का क्वालिफाई करते हैं, मेरे सारी फैमिली में सारे फॉरेन में हैं, ठीक है, तो वो वहां पे वर्क कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना। बट हम लोग अगर एज अ गेस्ट जाते हैं किसी भी कंट्री में जाए, नॉट इवन स्पेन हो गया, लंदन में भी हम लोग अगर क्वालिफाई करते हैं तो लंदन में, यूके में अगर जाएंगे, तो एज अ गेस्ट जब आप जाते हो तो वो एक अलग रॉब होता है, वो एक अलग चीज होती है। हमें वो लोग सर्व करेंगे इस मैम की तरह, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि हम लोग हमारे लिए वो वर्क कर रहे हैं। अभी तो जो हमारे फैमिली वाले हैं वो वहां पे उनके लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो उन दोनों चीजों में डिफरेंस है। हाँ तो ये बहुत बढ़िया है आपकी सोच, तो थैंक यू आने के लिए और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, टिप्स बताने के लिए। फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट है यहाँ पर ऑरिफ्लेम के अंदर, एक करियर की तरह इसको लेंगे हम। तो आपका काम होगा जैसे पलविंदर मैम ने भी इसको करियर की तरह जैसे ही लेना स्टार्ट किया, उन्होंने अपना पेमेंट गेटवे टाइप में समझ ली कि डिजिटली पेमेंट को लेना गूगल पे, मुझे से अच्छे से ध्यान है कि वो जो गूगल पे, हाँ गूगल पे बोलते हैं ना, अगर जी पे जो भी है, तो उसके ऊपर परविंदर मैम को थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं पेमेंट उड़ ना जाएगी, पता लगे बैंक के सारे पैसे उड़ गए उनको। तो वहां से लेके अभी बिल्कुल एकदम स्ट्रांग और उनको पता है क्लियरिटी काफी कुछ, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा कि हम चीजें ना सोचते ज्यादा है, लेकिन जब हम वर्क करते हैं हमारा वर्क एक्सपीरियंस हमारे को ना वो एक्चुअल चीज होती है हमारे पास। और परविंदर मैम का वर्क एक्सपीरियंस हमने देखा बहुत बढ़िया, उनका एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 12 रही है, वो भी आप लोगों की तरह 3 पे बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, 6 पे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, 9 बनने के बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ लगा कि मैं अल्टीमेटली 9 बन गई, और आज उनके नेटवर्क में लोग 9 बनते हैं और वो उनके लिए ऑब्वियसली प्राइड प्राउड मोमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं एज ए अपलाइन भी मैं आपको बताऊं कि उनकी जो क्या बोलते हैं, जो भी उनकी जर्नी है उसको देखकर मुझे भी कभी कभी हंसी आ जाती है कि अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब ठीक है पॉजिटिविटी मिलती है, और ऑब्वियसली वो कभी कभी बहुत हमारे नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं। अच्छा हाँ मैं आपको एक चीज और पूछूंगा, मेरी इस बात को ना आप ही हो जो इंडोर्स करते हो, और वो कितनी सच है जो मैं बोलता हूँ कि इंसान जब काम करेगा तो वो पॉजिटिव होगा अगर रिजल्ट अच्छे पड़ रहे हैं, है ना, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा ही होगा ना। अब बहुत सारे जो मैंने देखा है कि अलग अलग इन्फ्लुएंसर होते हैं चैनल्स के ऊपर, वो आपको ना स्टे पॉजिटिव स्टे पॉजिटिव स्टे पॉजिटिव कर रहे होते हैं, और मुझे पर्सनली लगता है कि स्टे पॉजिटिव कैसे हो सकता है जब सारी चीजें गड़बड़ हो रही है, आप स्टे पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो मेरा ये मानना है कि इन्वॉल्व रहना ही है ना, स्टे इन्वॉल्व मेरे लिए बेटर है, क्योंकि आप पॉजिटिव भी होगे अगर आप काम करोगे और नेगेटिव भी होगे। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे ध्यान है कि ये मैंने जरूर बोल के ट्रेनिंग में मैं भूल गया था, पर जब मैंने आपसे वापस सुनी मैंने कहा ये तो मेरी बात, तो फिर मुझे लगा हाँ इसको हमें आगे और इस चीज को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, और ये ही मुझे अभी तक है ना आगे लेके गई है। आप उसके बारे में जरूर बताइए। जी सर, वो हमारा पहले बात जो वर्क है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। जब हम लोग डाउन जाते हैं तो ऑब्वियस है हम लोग नेगेटिव होते हैं, हम ह्यूमन नेचर है, सब लोग होते हैं। बट हाँ, इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मैटर करता है कि अगर आप इन्वॉल्व हो, अगर आप चाहे नेगेटिव भी हो, सिचुएशन आपकी खराब भी है, तब भी आप सोच तो रहे हो ना उस वर्क के बारे में, अब आपने कैसे उसको, उससे निकलना है कैसे उस सिचुएशन से,
आपने आगे क्या प्लानिंग करनी है, तो आप कुछ सोच रहे हो, नेगेटिविटी में भी आप सोच रहे हो, मींस आप इन्वॉल्व हो। पॉजिटिव जब सिचुएशन होते हैं तब तो हम लोग बहुत हवा में होते हैं, यस हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारी डाउनलाइंस बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बट दोनों चीजें मैटर करती हैं, पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी, बट सबसे ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इन्वॉल्व हो, आप पैशनेट हो गए, यस मैंने करना है, मैं इस सिचुएशन से आगे निकल जाऊंगी, तो वो आप कर लेते हो। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। तो इसी नोट पे हम लोग क्लोज करते हैं। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी का? चलिए ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं। इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो यूट्यूब पे हम लगाएंगे। आप अपनी नेटवर्क में अपनी डाउनलाइंस को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा सेशन है। नेक्स्ट हम लोग फ्राइडे को करेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे को मोस्ट प्रॉब्ली हम ट्राई करेंगे किसी और मैनेजर के साथ या लीडर के साथ हम इसको सेशन को आगे करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पलविंदर मैम फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा आपने हमारे को समझाया सिखाया। और ऑब्वियसली इसको हम सेशंस को आगे भी करेंगे फर्दर आपके नए टाइटल्स के साथ। हम लोग वापस से समझेंगे चीजों को। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।